क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मुस्कान किन्नर। कहाँ से? सिडोरा से, जिला यमुनानगर। आपको क्या प्रॉब्लम थी? मैं पहले चौकी लगाती थी 2001 की, वो दो साल मेरा काम चला और कतई बिल्कुल सकते सारे मेरे बंद चुकी थी। आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु बराड़ा से थे जरनैल राणा जी। तो कितने साल आपने गद्दी लगाई? मैंने कई साल लगाई, वैसे दो साल तो पूरा काम चला और उसके बाद 8-10 साल ऐसी भटकती रही, कभी कहीं कभी कहीं। क्यों, क्या दिक्कत आई? काम ही नहीं चला था, कोई संगत का बंदा नहीं आवा था, बस कुछ नहीं बताया किसी ने। जब आपने अपना गुरु धारण कर रखा था तो आपने उनसे क्यों नहीं समाधान करवाया? और गुरु जी तो बस तभी चले गए थे, वो 15-20 दिन 3 महीने रहे मेरे साथ ही, और 3 महीने रहे मैं 1 महीने में, मतलब वहाँ चले गए थे, बराड़ा लेके गए थे, मतलब बागड़ गए थे जी, और बराड़ा वाला में उन्होंने जी, फिर वो डेथ हो गई उनकी जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो कितने साल पर आप परेशान रहे आप? मैं 8-10 साल। 8-10 साल में आपने कौन कौन से भगतों पे कहाँ कहाँ धक्के खाए आपने? मैंने कोई हिमाचल भगत नहीं छोड़ा, बंगाल में नहीं छोड़ा, मैंने पूरा पंजाब छान कर घेर लिया, हरिद्वार में भी आ चुकी, देवन भी जा चुकी मैं, यूपी में कोई नहीं छोड़। कितना पैसा लगा दिया आपने? मैंने तो बस सब कुछ बिक गया, मेरा जो चुम्मा थी, जेवर वगैरह सब कुछ बिक चुके हैं। किस काम के लिए? बस गद्दी चल जा, मेरी शक्ति वापस आ जा, तो नहीं चला। जब भी काम चला, 1 महीने के लिए काम चला, 15 दिन के लिए काम चला। किस चीज़ की गद्दी लगाते हो आप? मैं काली माता की मूर्ति स्थापना कर रखी मैंने, मामो मौला बख्श की। अच्छा जी, हाँ जी जी। तो अब आप क्या कर रहे हो? अब मैं गद्दी चलाने लगी। गद्दी चलाने? अभी तो आप कहते हैं कि मेरी गद्दी बंधी हुई है। नहीं, अब खुल चुकी है ना। मैं, किसने खोली आपकी गद्दी? ये नरेश गुरु जी है वहाँ पे, नरेश पंचाल जी करनाल से। करनाल से? हाँ जी। कैसे मिले हुए आपको? मैंने यूट्यूब के जरिए मिले थे, वहाँ पे कोई किन्नर गई थी जी, तो गद्दी लगाती थी, काली माता की भक्त नहीं थी। अच्छा जी। पटियाला के पास गाँव पड़ता है बलवेड़ा जी, उसका नाम था मिश्री जी। हाँ जी, वो भी किन्नर थी, वो भी चौंकी लगाती थी, उसकी गद्दी बन चुकी थी जी, और उसके मरने के थोड़े कुछ घंटे रह गए थे जी, वो मतलब गुरु जी के पास गई थी यहाँ पर करनाल। अच्छा जी। और मैंने उसके पास फोन किया, मैं कैसे करके पाया था, कहना कि भंडारा कब होगा, मैं भंडारा क्या, मैं तो खुद ही रोटी की मोहताज होगी, जब भंडारा मैं क्या दूंगी। तो फिर उन्होंने गुरु जी का मतलब क्या, उस पर भग जा, हाँ बाबू मेरा विश्वास था नहीं, मैं कैसे जाऊँ, मैं दुनिया में घूम ली। तो फिर मैं रात को माता रानी की मूर्ति के पास मैं खूब रोई, माँ माता रानी काली माई, आज सिर्फ लास्ट बार जोत लगा रही मैं आपकी, मैं कभी जोत लगाने की जिंदगी में आपको पानी में पधार दूंगी, मैंने ऐसे बोल दिया था जी। तो 8:30 बजे छोटी सी लड़की ऐसी माड़ी सी थी, मतलब जैसे 3-4 साल की हो, मेरे को 10:30 बजे मेरे को कहा उठता, उसने मेरी उंगली पकड़ी और कहा चल बाहर चल, उसने मेरे को चौंक पे जाके छोड़ दिया गली के बीच में जी। मैं बोलने लगी, माँ का ये लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, अचानक छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, उसने रोने लगी। फिर मतलब मैं पड़ी थी और मैंने अचानक जो गुरु जी का चेहरा देखा था, मेरे अंदर आवाज है कि करनाल जाऊँ, तो मैं घर से बोल के चली गई थी, मैं कहा जी मेरा पर्चा लगना चाहिए तो मानूंगी, वरना मैं किसी भक्त को मानती नहीं जिंदगी में, कभी मानने की नहीं मगर। तो जिस टाइम मैं गुरु जी की गद्दी का नाम लेके चलने लगी थी, अचानक मेरे पास एक प्रोग्राम आ गया था जी। अच्छा, इंद्रायणगढ़ के पास पंचकुले जिले में पड़ता है, वहाँ का प्रोग्राम आ गया था, उसी टाइम आ गया था जाने से पहले। तो गुरुजी ने आपका कितने दिन में समाधान किया? गुरुजी ने मेरा वैसे 1 घंटे में कर दिया था समाधान, अगले दिन मेरे पास फोन। 1 घंटे में? हाँ जी 1 घंटे। मतलब कि आप इतने दिन परेशान होने के बाद 1 घंटे में आपका काम हो गया? हाँ जी 1 घंटे के अंदर। क्या काम बना था आपका? काम एकदम फोन आ गया था प्रोग्राम के लिए, और एक लड़की के अंदर जिन था वो भी आए थे और बहुत खेली थी। क्या सच्चाई बोल रहे हो क्या आप? आज सायु जाके पता कर लो, वहाँ पे मीडिया वाले भी आए थे। अच्छा, हाँ जी। तो अब ये बताइए कि भी क्या आपकी गद्दी खुल चुकी है? हाँ जी गद्दी खुल चुकी है। आपकी जो सवारी थी वो खुल चुकी है? सवारी भी खुल चुकी है जी, वैसे 25-50% बंदे आने जाने लगे। कितना फर्क है आपको? है 25-30 मतलब फर्क है पहले से बहुत। शक्तियाँ सारी खुल गई? हाँ शक्ति आई सारी, मतलब बातें करते हैं ठीक हूँ, खुश हूँ जी। बहन जी, ये जो आपकी वीडियो पे कुछ कमेंट आए हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? ये सब कुछ बकवास है जी, मतलब मोदी ने भी दुनिया गालियां देते चले गया, जब मेरे माँ पावर है, मेरे गुरु की शक्ति है, जब 5-5 साल तक ही मैं हर एक गुरु पे गई, सुनील महाराज पे गई, हर एक जगह गई, किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। तो अब गालियां दे रहे हैं, कमेंट कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, पीठ पीछे दुनिया, मोदी ने भी मतलब प्रधानमंत्री में गालियां देवा, मेरे मुंह पे कहो ना कि जो गालियां देवा। चलो, मैं कल भी सही थी, आज भी सही, चाहे मीडिया में कवाल हो, जहाँ मर्जी कवाल हो, गुरु बहुत शक्ति है गुरु के अंदर, और रहेगी भी है।
गुरु के बारे में क्या कहोगे आप? मैं गुरु के बारे में अपना भगवान मानते हूँ। देखो मेरे सामने कह रहे मेरे नाम, अगर इसी तरह मेरे गुरु का मेरा प्रार्थना है मेरी जिंदगी भर जो मेरा मान है मैं पूरा चांद पे चढ़ के दिखा दूंगी, मैंने इतना दम है अपने ऊपर, अपने गुरु की शक्ति में इतना दम है। चलो महाकाली आपके सभी मनों को पूरी करे। जय महाकाली, जय शमशान काली, जय गुरुदेव।